बसमिल्ल रामाहीम असल मैं हूँ सैबी कासमी आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब नाजीन अमरीका और जापान की जंग अजीम में जब जापान ने पर्ल हार्बर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी वहाँ पर तबाही बचा दी वहाँ पर सब कुछ तबा बर्बाद करके जब जापानी वहाँ से निकल रहे थे तो एक सिपाही अपने एडमिरल के पास आया और उसने उसे कहा सर हमें फ़तह मुबारक हो तो एडमिरल ने उसे कहा कि हमने एक सोए हुए असदहे को जगा दिया है ये जंग हम जीते नहीं हैं और तारीख गवाह है कि पर्ल हार्बर के बाद फिर जो अमेरिका ने जापान का हाल किया नागासाकी हिरोशिमा, वो एक अपनी तारीख है जापान के जो तबाही बर्बादी हुई दुनिया सारी जानती है लेकिन ये एडमिरल का वो जुमला तारीख में रह गया कि हमने इस जॉइंट को जगा दिया है यही बात इमरान खान जब वज़ी हाउस छोड़ रहे थे तो इमरान खान ने एक जुमला अदा किया बड़े दुखी और गलोगीर लहजे में कोई रह तो नहीं गया कि जजेस एक तरफ हो गए जर्नेल एक तरफ हो गए साफ़ी एक तरफ हो गए तमाम के तमाम रजीम चेंज करने में ये लोग सब मिलकर एक हो चुके हैं जब उन्हें बताया गया थोड़ी थोड़ी थो देर बाद इतलाह दी जाती थी कि इस शख्स ने भी तब वफादारी बदल दी इसने भी ये कर दिया उसने भी वो कर दिया तो आखिर में इमरान खान ने जब यह कहा कोई रह तो नहीं गया ये एक जुमला था इस एक जुमले ने पूरे हजूम को एक कौम बनाया और इस कौम को एक जॉइंट बना दिया है ये वो जॉइंट और अजदहा है जो कल हमें उस बैरिस्टर की वीडियो में नजर आया जिसका झंडा उतारने की कोशिश की जा रही थी और अहवालदारों और सूबेदारों से वो जिस तरह लड़ रहा था और उन्हें बता रहा था कि हम इसी मुल्क के बासी हैं हमें धकेल कर आप सियालकोट के बॉर्डर के पार न फेंकें इस पीटीआई के झंडे के अंदर पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले है उसी पाकिस्तान का जिसके आप भी वारिस हैं और हम भी और फिर हमने देखा कि उसकी गाड़ी वहां से गुजरी ये हजूम कौम से एक जॉइंट बना हुआ है इस वक्त एक बहुत बड़ा जॉइंट देखे वजह बड़ी सादी सी है जनरल हमीद गुल ने 2011 में एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी मैंने उस पर बड़ी रिसर्च की कि 11 साल बाद वो तमाम बातें एक एक करके किस तरह दुरुस्त हुई बिल्कुल दोस्त हमारे पड़ोस में आपको पता है दुनिया के 27 सत्ताईस इकट्ठे होकर यहां बैठे थे सत्ताईस ममालिक आपसे दुनिया में एक मुल्क नहीं संभाला जाता यहां पर दुनिया का सबसे जदीद तरीन इसल लेकर आए थे दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई बजट यहां लेकर आए थे एक खरब डॉलर यहां पर दुनिया की बेहतरीन अफवाज भेजी गई नतीजा नाकामी अब उस नाकामी के बाद एक बहुत बड़ी स्पेस क्रिएट होगी एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है उस गैप को फिल करना है आप अगर एक किराए के मकान में भी अगर दो साल रह लें तो वो आपको अपना घर लगता है यहां वो बीस साल रहे हैं पूरी पूरी नस्लें जवान हो गई एक कैप्टन जो उस वक्त लड़ने आया लेफ्टेंट लड़ने आया वो रिटायर हो चुका है कब का उसके बाद पूरी पूरी ब्रिगेडें चेंज हो चुकी हैं तो इस मुल्क में जहां आपने ट्रिलियंस लगा के अपनी बेहतरीन अफवाज दुनिया भर की इकट्ठी की हो आप वहां से इस तरह निकले आप उसे कभी नहीं छोड़ते एक स्पेस एक खला उसे पुर करना है उस खला को पुर करने के लिए सबसे करीबी हमसाया पाकिस्तान और उनके अफगानिस्तान के हालात वाकयात, कल्चर मुआरत ज़बान तहजीब तमदन दोस्त सब कुछ तकरीबन एक जैसा है इसी वजह से अब वो मामलात यहाँ वो फ़ारग बैठ गए हैं अब यहाँ से निकल कर उन्होंने क्या कोई बंटे खेलने नहीं वो वहाँ फ़ारग बैठे हुए हैं वक्त स्पेस को क्रिएट करना चाहते हैं अब ज़ाहिर है आप पाँचवा बड़ा मुल्क हैं आप बहुत बड़ी न्यूक्लियर ताकत हैं आपके ऊपर कोई आ नहीं सकता इन शजीज़ लेकिन आपके ऊपर उनके साथ अपना मामला पाकिस्तान ठीक करें सीधी सी बात है आप रूस के साथ तजारत ना करें मायदे ना करें उनके साथ ताल्लुक ना बनाएं चीन के साथ जो आपका स्ट्रेटिजिक अलायंस बना हुआ है दुनिया में आप उसको कम करें और दोनों चीजें आप पूरी हो रही हैं ये जो बैरूनी मदाखलत की कटपुतली हुत बिठाई जाती है डमी हुकूमत उसने दोनों काम करने शुरू पहला काम सी पैक की जो सबसे तेज तरीन काम करने के लिए जो तो सी पैक अथॉरिटी बनाई गई थी उसे खत्म कर दिया गया उससे फर्क क्या पड़ेगा चीन की हुकूमत पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ऐसे है दोनों के दरमियान तल्लु ऐसे हैं चीन की आवाम, पाकिस्तान की आवाम के साथ बिल्कुल ऐसे लेकिन मुनाफा होर कंपनियां बीच में जो सेठ बैठा हुआ है वो दोनों तरफ का एक जैसा है ये लोग हमेशा बीच में से दो नंबर लोग ढूंढ लेते हैं अपने काम के। इसी वजह से चीनी कंपनियों के सी पैक के प्रोजेक्ट में जो काम की रफ्तार कभी कम हुई बीच में मामला खराब हुए गवर्नमेंट अपने लेवल पर बिल्कुल ठीक काम करती है लेकिन यह कंपनियां बीच में आती है प्रॉफिट मेकिंग वो बीच में दो नंबरी करती हैं अब वहाँ पर सी पैक अथॉरिटी बड़ी जरूरी थी दोनों तरफ से मामला देखे जा रहे थे कि कहाँ कहाँ हमें किस तरह चलना है अपनी स्ट्रेटजी को कैसे ये अलायंस करना है आगे 60 अरब डॉलर लगा हुआ है दुनिया पूरी का स्टेक इस पर लगा हुआ है ये शी जी पिंग का ख्वाब है पाकिस्तान की तरक्की है सी पैक अथॉरिटी खत्म कर दी चीन के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस है बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा डैमेज है अब इसको पूरा करने के लिए आप देख लें शहबाज शरीफ जब से हुकूमत में आया कितने बयान उसने चीन के बारे में दिए हैं ये आपके सामने कंपनियों से पसंद करती हैं लोग समझते चीन की हुकूमत है चीन की कंपनियां इन्हें पसंद करती हैं वो कंपनियां जो दो नंबरियां करती हैं अच्छा अब रूस के साथ इनके जो मुआदे थे देखें पाकिस्तान उनसे गंदम ले रहा था कि आपकी चालीस लाख की आबादी आपकी बढ़ रही है रूस के पास गंदम का ढेर पड़ा यूक्रेन वहां सारा वो आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूं गैस के झाइर पाकिस्तान के सबसे बड़ी किल्लत थी सर्दियों में लाइनें सी एन जी की ये जो, जो आपकी लोड शेडिंग हो रही है जो आपके सब कारखाने बंद हो रहे थे अब देखें आप इन्होंने किया क्या सत्ताईस फीसद महंगाई बढ़ गई है इस मुल्क में सत्ताईस फीसद हर चीज़ की कीमत जिस तरह ऊपर जा रही है हर अदारा जो है तबाह होता जाएगा आपका आपके, आपके सामने नज़र आ रहा है आपको ऐसे मामला में कारखानों के लिए एक्सपोर्ट्स के लिए गैस बहुत ज़रूरी और वहाँ से आपको मिला वो वायदे आहिस्ता आहिस्ता खत्म किए जा रहे हैं और यही वो चाहते थे जो करेंसी की पेमेंट में पाकिस्तान ने रोबल में करनी थी डॉलर को नुकसान देने के लिए ताकि डॉलर डौ, डौ, गिरे नीचे सस्टेन करे अपनी वैल्यू उसे इन लोगों ने वो भी कम करना शुरू आस्ता पीछे हटना शुरू हो गया यही तो वो चाहते थे ये जो खला बनाया गया था इस खला को पुर करने के लिए इन्होंने वहां पे आपके मशरक और मगरब दोनों बॉर्डरों पर आपके लिए मुश्किल खड़ी कर दी हैं चीन आपकी मदद कर रहा था आपके इस पड़ोसी के खिलाफ ताकि वो इधर से आपके बॉर्डर की तरफ ना देख सकें चीन का जो मामला लद्दाख से शुरू हुआ उस पूरे मामले से चीन पाकिस्तान एक थे हर किस्म की इंटेलिजेंस से लेकर हर चीज़ कि वो बॉर्डर सिक्योर किया जाए मुकम्मल तौर पर आपको अपने दिफा की फ़िक्र ही खत्म दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान वाली साइड रह गई थी वहाँ पर वहाँ पर देखें पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्यों खड़ी की जा रही हैं शही जो लोग थे जो स्टूडेंट्स उनके साथ क्या मामला थे इनको अब इस लेवल पर लाया गया है कि अब जहाँ जब इमरान खान की हुकूमत थी जब इमरान खान फैज़ हमीद को रखना चाहते थे उसकी बड़ी वजह यही थी कि वो इस मामले को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं आज उस हुकूमत के साथ आपके तल्लत किस लेवल पर पहुँच चुके हैं आप ज़रा देखें कि जिनके लिए आपने इतना कुछ किया उनके लिए कॉन्फ्रेंसें करवाते रहे उनके लिए दुनिया भर में पैसे मांगते रहे उनके लिए उनको अपने दरवाजे खोले सब कुछ आज वो आपके फिर एक दफ़ा मुखालिफ हो चुके हैं उसकी बड़ी वजह यही है कि वो जो स्पेस जिसकी मैं बात करूँ जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है जो खला भर भरा है उस खला को पूर करने के लिए ये आपके जो पड़ोस में उन्हें अब इस्तेमाल किया जाएगा आपके ऊपर कोई बैरूनी हमलावर नहीं आएगा यही लोग आएंगे जिनकी आप मदद करते रहे और उसकी वजह यही है कि पॉलिसियाँ इस तरह की बनाई जा रही हैं और इसी चीज़ को फैज़ हमीद कंट्रोल कर रहा था और इमरान खान उसे पसंद करता था और यहीं से सारे मामलत खराब हुए कि अंकल शाम को ये पसंद नहीं है कि ये फैज़ हमीजैसे बंदे रहते और वो ये सारा मामला ठीक करते इसीलिए उसको सबसे पहले साइड पर किया गया उसके बाद इमरान खान की बारी पूरी रिजीम चेंज कर दी गई क्योंकि एक तरफ इनके मशरक़ी मग़रबी सरहदों के मामलात हैं फिर उसमें बीच में पैसा है सी पैक का मामलात है फिर आपके जो साथ वाले पड़ोस में जो मामलात हुए हैं तो इन तमाम चीज़ों को मद्नजर रखते हुए इमरान ख़ान की हुकूमत हटाएगी लेकिन जिस तरह इन्होंने मैंने आपको शुरू में बताया कि इन्होंने इस अजदहे को इस जाइंट को सोते हुए जॉइंट को इन्होंने जगा दिया है उठा दिया है अब ये जो वाक्य आपने देखा ये मामूली वाक्य नहीं था बैरिस्टर का जिसकी वीडियो बनी और मिलियन लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं ये अब इन्हें अकल और होश के नाखुन लेने होंगे कि आप इस तरह के मामला अब आवाम के साथ नहीं कर सकते लोगों को होश आ चुकी है अभी भी वक्त है जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं इमरान खान ने पूरा जल्सों का शेड्यूल दे दिया है एक एक शहर का शेड्यूल दे दिया है नौ तारीख को पिंडी में है उसके बाद मियाँ वाला सारा ये सारे शेड्यूल देने का मकसद यही है इमरान खान अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं ये यहाँ वीडियोस पे ज़ोर दे रहे हैं और वीडियोस की मैं एक बात करता चलूँ और ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेगी लेकिन सच यही है हकीकत यही है कि इमरान खान की जवानी में वो तमाम खवातीन जो इमरान खान की तस्वीर अपने खवातीन डायजेस्ट में रसालों में रखती थी अपनी दीवारों पर लगाती थी आज उनके बच्चे जवान हो गए वो खुद नानियाँ दादियाँ बन चुकी हैं आज तक उनकी वो कसक क्योंकि बहुत सारे अभी अंग्रेज़ों की आपने देखी होंगी ऐसी वीडियोस क्यों कह रहे हैं इमरान खान मेरी माँ का क्रश है मेरी माँ इससे बड़ी मोहब्बत करती थी यह बात दुरुस्त है तो वो सारे जो अरमान थे उनके जो आंसू बहुत सारे खुवात ने उस वक्त शादियाँ नहीं की थी इस वजह से कि इमरान खान ने शादी नहीं की थी आज वो और उनके बच्चे बेताबी से इस तरह की वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं कुछ ऐसी बने वीडियोस ना भी बनी उनको बनाया जाए ताकि वो लोग ये सामने ला कर इमरान खान की किरदार कुश करें लेकिन याद रखे लोगों के लिए वो इमरान खान प्ले बॉय इमरान खान कब का ख़त्म हो चुका है वो किरदार गया माजी हो गया लोगों के लिए ये इमरान खान जिसने कहा कोई रह तो नहीं गया सबको एक एक करके बेनकाब किया जो रजीम चेंज हुई अब तमाम के तमाम मामला मदीना की तरफ बात करता है बार बार अल्लाह रसूल की बात करता है तो इन शाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये तमाम वीडियो शीडियो का प्रोपेगेंडा भी जो है वो दम तोड़ जाएगा उस पर बहुत सारे लोग फजूल लगे हुए हैं कोई किसी मिनिस्टर की तस्वीर लगा रहा है कोई किसी की लगा रहा है सब अपने अपने दिलों के अरमान पूरे कर रहे हैं क्योंकि ये जब घर जाते थे तो ये देखते थे कि इनकी वालदा वो खातीन डायजस्ट पढ़ते हुए इमरान खान की तस्वीर सामने रखती थी तो ज़ाहिर इनका बचपन गुजरा है उसमें तो ये अब ये जो कर रहे हैं इस तरह की हरकतें उन्हें ज़ाहिर है वो अपनी वालदा के अरमान भी पूरे कर रहे हैं अपना खास ख्याल रखें मुझे अगली वीडियो तक ले जाए हाफिज़